चुनावी रंजिश के चलते महिला के पेट में मारी गोली, उत्तर प्रदेश के बिगड़ते हालात की एक और झलक। ट्रैफिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। प्रधानी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, या अभी जो ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, किस तरीके का यहाँ पर कानून व्यवस्था का आलम रहा है? कई खबरें आई हैं, कहीं पर महिला सचेतक की साड़ी तक उतार दी गई, महिलाओं के साथ मारपीट की गई। अब ऐसा ही एक मामला गत 10 जुलाई को हुआ है मैनपुरी में, पटियाली है, पटियाली में जासमई गांव के करीब एक घटना हुई है। यहां पर नगला केसरी निवासी विनोद, इसके चाचा बलवीर वर्तमान में गांव के प्रधान है, 10 जुलाई शनिवार को विनोद अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर धुमरी एटा में डॉक्टर के पास गया था। वापस मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे, जासमई गांव के करीब पहुंचे, उसी वक्त दो लोगों ने विनोद पर गोली चला दी, मगर ये गोली विनोद की बजाय उसकी गर्भवती पत्नी को लग गई, सीधे पेट में लगी। मोटरसाइकिल भी लड़खड़ा गई, विनोद भी मोटरसाइकिल समेत नीचे गिर पड़ा, जिसमें विनोद भी कुछ हद तक घायल हुआ। वहीं लोग इकट्ठा होने के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। अभी इस मामले में पुलिस ने किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्हें तहरीर नहीं दी गई, तहरीर जैसी दी जाएगी यानी शिकायत जैसे दर्ज कराई जाएगी, हम फौरन कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। अरे डब्बा 108 नंबर कॉल करो, थाने सूचना करो, 100 नंबर कॉल कराके गाड़ी मंगाओ फरार। अरे सालम चाबी बाजी का अंजुआ सुखविंदर आ दो नो अभियान लगाया, अभियान लगाई जी अंजुआ सुखविंदर आ दो नो। अरे बहुत में बाजा, मैंने देखो मैंने मोटरसाइकिल छोड़े बाजे, मैंने जाने मजा जा दिन दांत पे जाने पे। अरे दांता कपड़ा छुपा नाम बता दे ना बाबू। अच्छा जाने ₹1.5 लाख हम डरे थे अपने।